एग्जाम का एक्सपेक्टेड पेपर पैटर्न। सर पैटर्न तो पता है, मैं इसमें बताने वाला हूं आपको कि कौन से चैप्टर से कौन से क्वेश्चन में सवाल आने का चांस है, और एक ही पैटर्न दूंगा जिसमें से मेरे को लगता है 80% तो राइट हो जाएगा। क्या पैटर्न है ध्यान से सुनना। सबसे पहले आपको मालूम है आपका कंपलसरी क्वेश्चन वन में चार क्वेश्चन आने वाले हैं। इस चार क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन नंबर 1A, B, C, D में एक क्वेश्चन मटीरियल, एक क्वेश्चन लेबर, एक क्वेश्चन जॉब या कॉन्ट्रैक्ट से रहेगा, और एक क्वेश्चन रिकंसिलिएशन ऑफ प्रॉफिट यानी कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम से रहने वाला। ये नवंबर 23 में एग्जाम में कॉस्ट का एक्सपेक्टेड पेपर पैटर्न। क्वेश्चन नंबर 2 में ए रहेगा, बी रहेगा, जिसमें ए कॉस्ट शीट और बी ओवरहेड के ऊपर सवाल रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 में ए, बी और सी करेगा ये लोग, जिसमें सी में एक थ्योरी रहेगा और ए और बी में एक क्वेश्चन सर्विस कॉस्टिंग पे रहेगा और एक क्वेश्चन प्रोसेस कॉस्टिंग से रिलेटेड रहेगा। फोर रहने वाला है आपका पहला क्वेश्चन जनरली जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट, और बी रहने वाला है आपका मार्जिनल कॉस्टिंग। हो सकता है ये सी वाला काम ये लोग फोर में भी दे दे, तो थ्री में नहीं देगा। फाइव नंबर क्वेश्चन विल बी ए बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड बी विल बी बेस्ड ऑन बजट। सिक्स में थ्योरी एंड प्रैक्टिकल रहेगा इस बार, और प्रैक्टिकल एक सम्स रहेगा, थ्योरी चार क्वेश्चन रहेगा जिसमें एनी फोर करना होता है आपको। ये प्रैक्टिकल जनरली आपका यूनिट या बोल दे ये बैच कॉस्टिंग से रहने वाला है, और बाकी थ्योरी आपका जैसे नॉर्मल कॉस्ट का थ्योरी होता है, जिसके लिए मैंने आज आपको एक शीट पकड़ाया विच इज कवरिंग ऑल द थ्योरीज ऑफ एवरी चैप्टर। आज ही पकड़ाया आपको कवरिंग ऑल द थ्योरीज ऑफ ईच चैप्टर, जो एग्जाम में आने का मतलब 100% चांस है, मतलब आया तो वहीं से आना चाहिए।